बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मेरी 10 मरला मकान की स्टार्ट रन तक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में तीसरी वीडियो है। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो व्यूअर्स, चुनाई हमारी बड़ी तेज़ी से जारी है। हमारे काम को आज चौथा दिन है। बारिश की वजह से 2 दिन काम बंद रहा तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हमारी चुगाठें लग चुकी हैं। चुगाठों के बारे में एक टिप देता चलूं कि चुगाठें आप जब भी बनवाएं, जापानी रंगदार चादर की बनवाएं, इसको जंग नहीं लगता और ये बहुत मज़बूत होती हैं। वैसे ये हमें 230 रुपये किलो के हिसाब से मिली हैं, जो तकरीबन 70,000 की बनी हैं। तो व्यूअर्स, ये जो चुगाठों का साइज़ है, ये हमने जो मीन चुगाठ है उसका साइज़ जो है हमने रखा है 5 फुट 0.8, यानी 5 फुट उसकी चौड़ाई है और 8 फुट जो है ना वो उसकी लंबाई है। और तकरीबन जो लंबाई है वो हमने तमाम चुगाठों की एक जैसी रखी है और उसका लेवल एक ही है। खिड़कियों का लेवल ऊपर वाला और चुगाठों का वो सेम है। तो हमारी ये जो आप देख रहे हैं ये मेन है, इंट्रेंस की है और एक जो है ये हमने 8 फुट की रखी है, दोनों 5 फुट रखी हैं चौड़ाई। डबल डोर जो है ना, डबल पल्ले वाला दरवाज़ा इसको लगेगा। इसके अलावा जो अंदर हैं, अंदर वाली तमाम जो चुगाठियाँ हैं वो हमने 3.5 फुट की रखी हैं और लंबाई उनकी 8 फुट ही है। तो बाकी चुनाई हमारी बड़ी तेज़ी से जारी थी, बस बारिश की वजह से 2 दिन जो काम बंद रहा है तो हम लेट हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते तक जो है ना ये हमारा चुनाई का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है वो शटरिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक चुनाई और शटरिंग का काम हो जाएगा और उससे अगले हफ्ते जो है ना वो हमारा इसका जो है वो लेंटर का काम, सरिया वगैरह का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके बाद जो है मेरी ये तीसरी वीडियो थी मेरी। तो अभी इंशाल्लाह जो चौथी वीडियो है वो जब शटरिंग करेंगे तो उस वक्त बनाएंगे और उसके बारे में, और उसके बाद जो है ना वो लेंटर जब डलेगा तो लेंटर की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, सरिये वगैरह की, कितना सरिया लगेगा, कितना जो भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे, कितना सरिया लगता है और उसका किस तरह उसको बांधते हैं, उसके दरमियान में साइज़ कितना रखना चाहिए जो कि अच्छा मजबूत हो। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो अगली वीडियो है वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।